नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। अनूपपुर जिले के कोतमा के पूर्व विधायक दिलीप जायसवाल ने दी कोरोना मरीजों से सहानुभूति रखने की सलाह। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य चिकित्सकीय निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों और सचिवों को सतर्क रहने और प्रशासन के सहयोग से आने वालों को क्वारंटाइन कराने की जिम्मेदारी उठाने पर जोर दिया। सभी को साथ मिलकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। काफ़ी सारी समस्याएं इतने दिन से लोग झेल रहे हैं, बाहर से लगातार लोग आते जा रहे हैं। अभी तक तो अपने क्षेत्र में ग्रीन जोन की कंडीशन थी, अब नए पेशेंट भी आ गए हैं। किस प्रकार की नई समस्याएं यहां पे जनरेट हो सकती हैं, इसके विषय में? निश्चित तौर पर कोरोना COVID-19 वायरस जो है, ये अपने ही एरिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व इससे परेशान है। और अभी कुछ दिन पहले तक हमारा जिला क्या बल्कि पूरा संभाग ग्रीन जोन में था, लेकिन जो हमारे यहाँ के मजदूर तबके के लोग जो अदर राज्य में जाकर के मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, इस लॉकडाउन के कारण वहां पर जब रोजगार खत्म हुआ वो अपने घर परिवार को वापस आ गए। अब वो बेचारे किसके किसके संपर्क में जा रहे हैं, किसके संपर्क पहुंच गए, कैसे हो गए कोरोना से ग्रस्त, उनको पता नहीं चलता। तो निश्चित तौर पर अब वो इतने दूर से सफर करके आ रहे हैं तो इसका तो खतरा हमारे यहां बढ़ गया है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जैतारी क्षेत्र में और मेरे इसी कोतवा विधानसभा के छतई में भी कुछ लोग ऐसा संक्रमित लोगों के साथ में आए थे, लेकिन ये अच्छा था कि वो निगेटिव आए। जैतारी क्षेत्र में तो आए थे पॉजिटिव, लेकिन वो निगेटिव हो, अभी उनका रिपोर्ट आ गया है उपचार बाद। तो अब जो आ रहा है अपन ये नहीं कह सकते कि हमारा क्षेत्र उसका छूटा रहेगा। अब इसमें हमारी अभी तक तो जो कुछ भी हमारे जिला प्रशासन ने किया, जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, चाहे हमारे जिले के कलेक्टर रहे हों चाहे पुलिस व्यवस्था रहे। लेकिन वास्तविक रूप से अब जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की और हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और चूंकि गांव की ओर आ रहे हैं, अभी तक पूरा देश जो है शहरी क्षेत्र में ही, ग्रामीण क्षेत्र से बचा हुआ था, लेकिन जो मजदूर आ रहे हैं वो गांव जा रहे हैं। तो अब हमारे पंचायत की भूमिका अहम हो जाती है। वहां पर हमारे जो भी जागरूक नागरिक हैं, वहां के हमारे सरपंच हैं, पंच हैं, जनपद के सदस्य हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है, देखिए जो भी हमारे भाई मित्र बच्चे हमारे आ रहे हैं बाहर से मजदूरी करके, वो कोई अपराध ही नहीं, वो अपने जीवन यापन के लिए गए थे। और जब ऐसी समस्या आई पूरे देश में पूरी दुनिया में, तब वो अपने घर को वतन को वापस आ गए। तो ऐसे समय में हम उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हुए और उनके घर के परिवार को सलाह दे, समझाइश दे कि भाई ये कोई अपराधी नहीं है, अब किसके संपर्क में आ गया होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसे समय में कम से कम 14 से 15 दिन के लिए, बल्कि 20 दिन के लिए मैं तो कहता हूं, उसको एकदम से अलग रखें और उसकी जानकारी हम पुलिस को मेडिकल को दें, जांच वांच करा करके उसको अलग रखें। उस व्यक्ति को भी चाहिए जो आया बाहर से कि मैं अपने आप को बिल्कुल अलग रखूं, सुरक्षित रहूं, किसी के भी संपर्क में ना जाऊं। और घर के लोग भी चाहिए कि उसको भोजन पानी हम दूर से अलग से दे दें और उसके संपर्क में कोई ना, तभी हमारा क्षेत्र बचेगा। और निश्चित तौर पर हमारा क्षेत्र हमारे देश के लोगों की, जो कि इसका अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी दवाई नहीं बनी, जो भी हमारे हेल्थ डिपार्ट के लोग, हमारे मेडिकल डिपार्ट के लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी कोरोना के चपेट में आया है उसको जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं। और ह्यूमिनिटी अगर हमारी अच्छी है तो कोरोना हार जाता है और हम उससे विजय हासिल करते हैं।
तो हमारे यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी संख्या में ठीक हो रहे हैं पूरे देश भर में, और मृत्यु दर भी बहुत कम है। और इस प्रकार की सावधानी अगर हम सब लोग बरतेंगे, आप मीडिया के बंधुओं से मैं चाहूंगा इस बात को पूरे जगह पर आप वायरल करिए बताइए, क्योंकि जागरूकता ही बचाओ, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मैं तो कहूंगा मीडिया के बंधुओं को, और जितना आपका योगदान मैं समझता हूं उतना दूसरे का नहीं, बल्कि क्योंकि सरकार ने एक तरफ तो जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं अगर वो कोरोना के चपेट में आते हैं और उनकी मृत्यु अगर हो जाती है दुर्भाग्य से, तो उनके लिए तो बड़ा पैकेज दे रखा है 50 लाख का। लेकिन हमारे मीडिया के बंधु या ऐसे कोई समाज सेवी जो काम कर रहे हैं अगर वो चपेट में आ जाए तो उसके लिए तो कोई पैकेज नहीं, तो सबसे बड़ा योगदान अगर तो आप लोग का है। लेकिन हम सब जानते हैं जो भी इस धरती में आया उसको एक दिन जाना है, तो हम अपने दायित्व से इस सेवा भाव से पीछे ना हटे, और जो भी मेरे भाई बंधु जहां पर भी हैं, मेरे सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, रोजगार सहायक हैं, हमारे पंच हैं, जनपद सदस्य हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के प्रभारी हैं, स्थानीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन सभी से मेरा निवेदन हाथ जोड़ करके कि आपके गांव में आपके मोहल्ले में अगर कोई भी हमारा बाहर से भाई बंधु आ रहा है जो मजदूरी करने के लिए बाहर गया था, उसके साथ हम कोई दुर्व्यवहार ना करें, उसको और उसके परिवार को समझाइश करके उसको अलग से एक व्यवस्थित रूम दें हम घर पे ही, और उसके संपर्क में कोई ना जाए 14-15 दिन तक, यही कोरोना से बचाव है।